45 साल पहले की कहानी है, मतलब 45 ईयर बैक की कहानी है। तब मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई थी। वो तब क्या होता था, बड़े बड़े गांव में कभी कभार मतलब ठंड के मौसम में यात्रा होता था। वो सारे गांव वाले के साथ मिलके मेरी मम्मी गई थी यात्रा देखने के लिए दूसरे गांव पर। वो जब वो गाँव क्रॉस करके जाते हैं तब तो रोड वगैरह है मतलब नहीं हुआ था, इतना क्लियर नहीं था, पिक्चर रोड पक्का रोड कुछ भी नहीं था। वो एक जंगल रोड था, पैदल चलने के लिए जितना है जंगल में। वो श्मशान भी थी और श्मशान को आटा था, वो जंगल छोटा सा जंगल था। वो उसको क्रॉस करके आना जाना कंपलसरी होता था क्योंकि वो दूसरे रोड नहीं था, उधर ही किधर जाना है मतलब वही रोड कंपलसरी आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वो दिन में तो सब लोग चले गए थे मस्ती करके, मतलब यात्रा देखेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये खरीदेंगे, ऐसे करके मस्ती करके चले गए थे। आने के टाइम में थोड़ा लेट हो गया, सबको इकट्ठा करके आना था, मतलब कोई गुम हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिर वापस टाइम में मुश्किल होगा। सब बात करके गए थे पहले से ही, साथ में जाएंगे साथ में आएंगे, कोई अगर गुम हो जाएगा ये जगह पे आके खड़ा होना, उसके बाद सब लोग साथ में आएंगे, क्योंकि आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तब ज़माने में करंट नहीं होता था, मतलब बहुत सारे सिटी को छोड़ के टाउन को छोड़ के गाँव में तो करंट नहीं होता था, रेयर गाँव में करंट होता था, बाकी गांव में तो करंट नहीं होता था, उस गांव में करंट नहीं था। आने के टाइम में ऐसे करके लेट हो गया। वो मिनिमम छोटे बच्चों को मिला कर 25 से 30 लोग थे एक ही साथ में आ रहे थे, एक गांव फुल मान सकते हैं आप। तब तो भरोसा होता था लोगों को ज़्यादा, एक कोई जाता था गांव में, एक जेंट्स जाता था, सारे लड़की औरत उनके साथ भेज देते थे, मतलब तब तो लोग बहुत वफादार होते थे। कोई मतलब चाचा चाचा ऐसे बुलाएगा, भाई बुलाएगा, तो वो पक्का वही वाला खून वाला रिश्ता निभाते थे, ऐसे भरोसा था तब लोग को। तब लोग बहुत अच्छे थे, अब तो नहीं है। वो साथ में सब लोग गए थे। आने के बाद क्या हुआ, वो जंगल के रोड में जैसे वो बीचों बीच हो गए, सबको देखा है कि बड़ा सा सर्कल में बड़ा सा लाइट, मतलब 1.5 फीट की हाइट से वो एक लाइट दौड़ के आ रहा है। तो क्या रूमर होता था, वो कि औरत मर गई थी, प्रेग्नेंट थी, वो पेट में उसके बच्चा के साथ वो मर गई थी, वो उधर ही दफना दिए थे। वो श्मशान थी, वो कोई भी आसपास के गांव के लोग कोई मर जाते थे तो उधर ही लाके दफना देते थे। सब लोग बोलते थे वो डायन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे ऐसे लोग कहानी सुनाते थे। उस दिन क्या हुआ, वो देखे सब लोग देखे, मतलब सब तो अंधेरे में आ रहे थे, एक आदमी के पास टॉर्च था, बाकी सब लोग वही मतलब लाइट को फॉलो करके करके आ रहे थे। सब लोग ने नोटिस किया वो लाइट जो है दौड़ दौड़ के उनकी तरफ आ रहा है। आने के बाद सब लोग शोर शराबा करने लगे, डरने लगे, दौड़ने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी, एक तो एक वो प्रेग्नेंट थी, हाथ में उसका दूध पीता हुआ बच्चा था लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में छोटे छोटे दो बच्चे थे, उसका उंगली पकड़े हुए थे। वो तो किसी भी कीमत पर दौड़ नहीं सकती थी, वो गाली देने लगी, हमको छोड़ के नहीं दौड़ना, सब लोग एक साथ में खड़े हो जाओ, इतने सारे लोग हैं कुछ नहीं होगा, वो क्या खा थोड़ी ना जाएगा, खड़े हो जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं इतने सारे बच्चों को लेके मतलब दौड़ना पॉसिबल नहीं है। ऐसे गाली देने के बाद वो सब लोग खड़े हो गए एक जगह में, मतलब वो काटा जैसा रास्ता था, दो साइड में काटा था, छोटा छोटा झाड़िया था, काटा था। वो लाइट धीरे धीरे उनके पास नज़दीक आने लगे, नज़दीक आने बाद वो लोग से बस साइड का मतलब 2 फीट का दूरी पर वो लाइट दौड़ के जा रहा था। उस टाइम में तो मतलब टॉर्च भी बहुत रेयर था, सपोज कोई लंठन, तब तो लंठन मतलब लोग यूज करते थे, मान लो सपोज वो लंठन था, लंठन होगा तो एक तो इतना बड़ा लाइट वो दिखेगा नहीं, ऊपर से इतना पास जाएगा तो मतलब चारों तरफ वो उजाला हो जाएगा, कोई ना कोई आदमी तो दिखेगा जो लेके पकड़ के जा रहा है, सपोज कोई लेके जा रहा है लंठन को, तो वो आदमी कंपलसरी दिखेगा, दूर तो था नहीं, हो सकता है कोई एक ही होगा तो चुप जाएगा, वो डर के आंखें बंद कर लगा क्या होगा, तो ठीक है एक को छोड़ दीजिए, लेकिन इतने फक से 30-20 लोग को दिखाई नहीं देगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो कोई भी देख नहीं पाया वो क्या था, लेकिन सब लोग देखे बड़ा सा, मतलब आंखें बंद करने वाले इतना सा बड़ा, इतना बड़ा लाइट था, वो इतना फोकसिंग से उनका आंखें बंद हो रहा था सबका, मान लो कुछ हो जाएगा, वो डर के सब लोग ऐसे पकड़ के सबको खड़े हुए थे एक जगह पर। होने के बाद वो लाइट ऐसे क्रॉस करके चला गया।
सब लोग ऐसे उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के डर डर के घर को आए। रात भर सोए नहीं, रात भर वही चर्चा मतलब चले रहे। मतलब वो क्या था किसको मालूम नहीं। कोई बोला वो भूत है, कोई बोला डायन है, पता नहीं क्या था, लेकिन सबका यही मानना था वो भूत ही था। कोई मानने को तैयार नहीं, वो कुछ अरे था, पता नहीं वो क्या था, लेकिन सब लोग एक साथ में देखे थे। यही सच चाहिए। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।